सलाम दोस्तों। जर्मनी के एक बहुत बड़े और क्रांतिकारी कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट की कविता हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। कविता का शीर्षक है जनता की रोटी। वैसे तो इसको जर्मन में लिखा गया था, मगर हम हिंदी भाषियों के लिए इसका अनुवाद मोहन थपलियाल ने किया है। और ये कविता 1953 से 56 के बीच कभी लिखी गई। आइए इस कविता को सुनते हैं और कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलें कि आपको कविता कैसी लगी, और अगर आपकी कोई खास फरमाइश हो तो वो भी हमें बताएं। आइए सुनते हैं। इंसाफ जनता की रोटी है, वो कभी काफी है कभी ना काफी, कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद। जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है, जब बेस्वाद है तब असंतोष। खराब इंसाफ को फेंक डालो, बगैर प्यार के जो सेंका गया हो और बिना ज्ञान के गूंदा गया, भूरा पपड़ाया महकहीन इंसाफ जो देर से मिले बासी इंसाफ है। यदि रोटी सुस्वादु और भरपेट है तो बाकी भोजन के बारे में माफ किया जा सकता है। कोई आदमी एक साथ तमाम चीजें नहीं छक सकता। इंसाफ की रोटी से पोषित ऐसा काम हासिल किया जा सकता है जिससे पर्याप्त मिलता है। जिस तरह रोटी की जरूरत रोज है, इंसाफ की जरूरत भी रोज है, बल्कि दिन में कई कई बार भी उसकी जरूरत है। सुबह से रात तक काम पर मौज लेते हुए काम, जो कि एक तरह का उल्लास है, दुख के दिन और सुख के दिनों में भी लोगों को चाहिए रोज बरोज भरपूर पौष्टिक इंसाफ की रोटी। इंसाफ की रोटी जब इतनी महत्वपूर्ण है तब दोस्तों कौन उसे पकाएगा? दूसरी रोटी कौन पकाता है? दूसरी रोटी की तरह इंसाफ की रोटी भी जनता के हाथों ही पकनी चाहिए, भरपेट पौष्टिक रोज बरोज। शुक्रिया।